स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम आपके लिए कोई भी एजुकेशनल वीडियो ना लेकर के सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं। और यहाँ पर आज का हमारा जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो युवा थे वो बहुत लंबे समय से राह देख रहे थे पुलिस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सूचना बता रहे हैं कि यहाँ पर आप पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं सूचना, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना। तो जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं इस अधिसूचना के ऊपर, और यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार की अधिसूचना है, क्या पद होंगे, कब तारीख होगी, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। भर्ती कब से प्रारंभ होगी, क्या पद होंगे, किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से वर्ग के लिए क्या पद होंगे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आरक्षक संवर्ग भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना दी जा रही है। और यहाँ पर ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित इसमें की गई है। यहाँ पर तिथियां जो हैं जहाँ पर देख सकते हैं विभागीय नियमों में परीक्षा के संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका का प्रकाशन की संभावित तिथि है 25/11/2020 को। इसके लिए रोल बुक जो है ये पीईवी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो तिथि होगी वो 24/12/2020 होगी। इसी के साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की जो अंतिम तिथि होगी वो 7/1/2021 होगी। और आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अंतिम तिथि जो होगी 12/1/2021 होगी। परीक्षा की जो तिथि है वो लगभग 6/3/2021 से प्रारंभ होगी, यानी कि मार्च में एग्जाम होगी। तो अभी आपके लिए काफ़ी समय है और आप बिल्कुल तैयारी इसकी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उपरोक्त समस्त तिथियाँ जो है पूर्णतः संभावित है और जिनमें आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 4000 पद इसमें शामिल हैं। और पदों की हम विस्तृत जानकारी हम आयु सीमा संबंधी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो रहेगी इस्क www.pev.mb.gov.in पर उपलब्ध है। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं विभाग से जो प्राप्त मांग पत्र है उसके अनुसार पदों की जो कुल संभावनाएँ बताई गई हैं, तो यहाँ पर आप वर्ग वाइज जो है जैसे कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईवीएस और टोटल पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इनमें ओपन भर्ती जो होगी वो यह होगी एक्स सर्विसमैन के लिए, एचजी के लिए, फीमेल के लिए और टोटल पद यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये रेडियो के लिए हैं, कांस्टेबल रेडियो के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए है। और इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे हम देखते हैं ब्रेकअप डीईवी के लिए है और ब्रेकअप एसएफ के लिए हैं। तो यहाँ पर सभी जीडी कांस्टेबल या जीडी रेडियो रेडियो कांस्टेबल के लिए और इसी प्रकार से एसएफ टीएफ आदि के लिए हैं। तो ये पदों का विवरण जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी ये जो सूचना है इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ पर बिल्कुल गहराई से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2020 से इसमें की जाएगी। और वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा। वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों पर निर्धारित की जाएगी उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी हेतु पदों हेतु पात्र माना जा सकेगा। आयु सीमा में जो अधिकतम छूट होगी वो क्या होगी, तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष होगी, महिला आरक्षित श्रेणी जैसे पुरुष महिला आवेदक कुछ भी हो सकते हैं, और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38 वर्ष की होगी, यानी कि 5 वर्ष इनको और भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 18 से 38 वर्ष जो है इन आरक्षित वर्ग के लिए है और अनारक्षित के लिए 18 से 33 वर्ष के लिए है।
इसी के साथ शासकीय निगम कंडर मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक के लिए भी 18 से 38 वर्ष होगी और प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाले कुछ छूटें हैं, जैसे विक्रम पुरस्कार से प्राप्त अभ्यर्थी को के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट हो सकती होगी। इसी के साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत भी पुरस्कृत किसी दंपति में उच्च जाति या जाति पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई भी एक उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। आगे बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यहाँ पर कुछ छूटें दे रखी हैं, जैसे वर्तमान में उनकी आयु में उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा कालावधि कम करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उनके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक ना हो। और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन सेवामुक्त किया गया हो, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो कि दूसरी बार भर्ती किए गए हों, अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर या भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिए गए हों, और ऐसे अधिकारी अथवा सैनिक जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवामुक्त किए गए हों, ये भी, और ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो, या ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं इनके लिए काफ़ी छूटें दे रखी हैं और इसको भी आप विस्तार से PDF के अंदर पढ़ सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर सामान्य स्पष्टीकरण शासकीय अभ्यर्थियों के चयन के उपस्थित होने के नियुक्त प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। जैसे कोई भी शासकीय अभ्यर्थी है जो पहले से सर्विस के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति यदि इसमें भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी और नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी की जो अनुज्ञा एवं अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। केवल वही शासकीय अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट का लाभ ले पाएंगे और उस पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद के मुकाबले अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार से संविदा शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिक नगर सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन योग्यता अयोग्यता के आधार पर अथवा सेवा से अनुशासनात्मक कार्यों से हटाए गए हैं, अन्य उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य नहीं रहेंगे। शासन के मानदेय पर अन्य स्वयंसेवियों या संविदा कर्मचारियों या शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी आदि को आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी सूचना से संबंधित एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। और यहाँ पर वीडियो आपको कैसे लगी, आप यदि भर्ती की राह देख रहे थे तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी में जुट जाइए और अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें इतने देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।